मैंने आप लोगों के साथ कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्शन, उसका जर्नल एंट्री एंड उसका अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स का, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने का टाइम और एरिया हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। हम लोग एकदम समरी अकाउंट्स बनाना सीखेंगे जो कंट्रोल अकाउंट में हम लोगों ने बनाया भी है। स्टोर लेजर कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्टिंग पीएल, ये सब हम लोग बनाना सीखे हैं। ट्रांजैक्शन से कैसे अकाउंट बनाते हैं वो भी सीखे हैं, लेकिन पार्ट पार्ट में। आज मैं पहला जो प्रॉब्लम करूंगा दैट इज हम लोगों का एक अकाउंट से, ट्रांजैक्शन से मुझे कुछ अकाउंट बनाना है, कंट्रोल अकाउंट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अ कंपनी ऑपरेट सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे ही ये वर्ड बोलेगा दिमाग में करंट की तरह दिमाग में आएगा, कंपनी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करता है, मतलब अलग से फाइनेंशियल अलग से कॉस्ट। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2019। पीरियड के शुरू में ओपनिंग बैलेंस बोल दिया है। अगर उस लेजर में तीन अकाउंट मेंटेन होता है, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP कंट्रोल एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल, तो मैं बोल सकता हूं उसका टोटल 1,88,750 ठीक ऑपोजिट अकाउंट, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में उसको शो करेगा। जैसे डेटर्स लेजर का टोटल जनरल लेजर एडजस्टमेंट होता था, क्रेडिटर लेजर का टोटल जनरल लेजर एडजस्टमेंट में होता था, ऐसे ही यहां पर तीन कंट्रोल अकाउंट का टोटल रिफ्लेक्ट करेगा कहां पर, ऑपोजिट साइड में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तीन मतलब स्टोर लेजर, WIP, फिनिश गुड्स। अगर कोई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल भी करना चाहता है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल भी आएगा, मतलब ऑल कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए जो समरी अकाउंट मेंटेन करता है, करते हैं, उसका जो नेट बैलेंस आएगा डेबिट माइनस क्रेडिट करके इक्विवेलेंट होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। जैसे ही इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो देखिएगा ट्रायल बैलेंस टैली भी कर गया, तो डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। और 1,88,750 फिगर देखिए, कंपनी का वर्किंग प्रोग्रेस इंक्रीज हुआ है 7,500 डन, प्रिपेयर द नेरिवन कंट्रोल अकाउंट, सब कुछ बोल दिया है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए मजे के बाद देखिए, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड कुछ नहीं लगा है। इसका मतलब मैं समझ के चल सकता हूं, क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो नहीं दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड ही होगा। चलिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल में पहला बैलेंस हम लोग क्या लिखेंगे, और देखिए एक साल का नहीं है, तीन महीने का है, एक क्वार्टर का है, 1/4/2019 से 36/2019, तो 1/4/2019 बाय बैलेंस क्यों बैलेंस, सर देखिए पूरा बैलेंस है मेरे पास, तो ये बैलेंस है 1,88,750 मेरा ओपनिंग बैलेंस। ओके, मुझे और भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा तो अकॉर्डिंगली मैं कुछ ओपन कर लेता हूं, बिकॉज वो लगेगा ही, जैसे स्टोर लेजर कंट्रोल, डेट 1/4/2019, टू बैलेंस, ब्रॉट फॉरवर्ड। स्टोर का बैलेंस कितना बेटा, 53,375। सिमिलरली आपका वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क
इन प्रोग्रेस, क्या होगा सेम 1/4/2019 में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स का बैलेंस बोल दिया है कितना 1,04,595 फिगर सही है 1,04,595 विशाल उपाध्याय बंद रखिए स्टोल लेजर कंट्रोल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल, मतलब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 30,780 फिनिश गुड्स। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना लिख दिया है। नेक्स्ट वेजेस कंट्रोल, वेजेस का कभी बैलेंस नहीं होता है। ओके फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड ना फैक्ट्री ओवरहेड सर, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड ओवरहेड, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है, मेटेरियल परचेज, तो मेटेरियल परचेस में जर्नल क्या होता है बोलो, मेटेरियल परचेस में स्टोर का बैलेंस घटता है ना बढ़ता है, मेटेरियल परचेस करने से स्टोर्स का बैलेंस इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, इंक्रीज। क्या करना, तो क्या करना होगा बेटा, स्टोर लेजर कंट्रोल को डेबिट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तो 36/2019 टू सीएलसी अकाउंट परचेस कितना 26,700 नेचुरली कॉस्ट लेजर में एंट्री होगा 36,2019 बाई एसएलसी कितना 26,400 700 सर। मेटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, तो चलिए मेटेरियल इश्यू कीजिए 36/2019 मेटेरियल इश्यू का जर्नल क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर कंट्रोल इन WIPC अकाउंट डेबिट दैट इज इश्यू issue of direct material kitna 40,000 to WIP mein aa jayega 36,2019
टू CLC, टू SLC, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कुछ? तो फर्स्ट दो ट्रांजैक्शन हो गया, थर्ड ट्रांजैक्शन आप मेटेरियल इश्यू कर रहे हैं तो फैक्ट्री फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए मेटेरियल इश्यू कर रहे हैं, बोलिए तो कहां पर जाएगा? रिपेयर, फैक्ट्री का रिपेयर कहां पर जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरी गुड, 900 प्रोडक्शन ओवरहेड। बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इशू फॉर रिपेयर। प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाइए, 39 2016 by a 2 SLC account 900 फैक्ट्री वेजेस पेड 77,500 फैक्ट्री वेजेस पेड टू CLC वेजेस पेड हाउ मच 77,500 CLC में आ जाइए, बाय वेजेस कंट्रोल 77,500 और वेजेस का बोर्ड है, इनडायरेक्ट भी है ना सर? मैंने टोटल वेजेस बोला है, उसके भीतर इनडायरेक्ट वेजेस है 23,000, तो डायरेक्ट वेजेस कितना होगा सर? 77,500 में 23,000 माइनस कर दीजिए, सो डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। ये तो टोटल वेज का जो पेमेंट हुआ है उसका एंट्री दिया मैंने, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। अब वेजेस का एक पार्ट मेरा डायरेक्ट वेजेस में जाएगा और एक पार्ट मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। कितना डायरेक्ट वेजेस में कितना जाएगा? 77,500 माइनस 23, बोलो वेजेस कंट्रोल में जर्नल क्या होगा? वेजेस कंट्रोल में जर्नल 36,2019 बाई सर डायरेक्ट वेजेस जाएगा कहां पर? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, यस और नो? डायरेक्ट वेजेस कितना? डायरेक्ट वेजेस 77,500 माइनस 23,000, यस और नो बेटा? दैट इज, ये क्या है? डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड और पेमेंट हुआ था 77, कितना? 54,500। तुरंत इमीडिएटली लिखिए डायरेक्ट वेजेस के भीतर, टू वर्किंग प्रोग्रेस में लिखिए वेजेस कंट्रोल कंट्रोल अकाउंट, कितना वेजेस कंट्रोल अकाउंट? 54,500 इनडायरेक्ट वेजेस। तो बाकी वेजेस कंट्रोल का जो पार्ट है इनडायरेक्ट वेजेस कहां पर जाएगा? इनडायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट वेजेस हाउ मच? 23,000 प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाइए, टू वेजेस कंट्रोल
23,000. Done. तो वेजेस का मैटर भी सुलझ गया. प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? 95,200. तो प्रोडक्शन ओवरहेड इनका 95,200. जर्नल क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो बाई प्रोडक्शन ओवरहेड. प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना? 95,200. इमीडिएटली जाइए टू सीएलसी अकाउंट. इनकर्ड कितना बेटा? 95,200. ओके डन. नाउ ओवरहेड इनकर्ड मिल गया. ओवरहेड अंडर अब्सॉर्प्शन एंड ओबी रिटर्न ऑफ बोल दिया है. देखो प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब ने अभी तक नहीं बोला है. रिटर्न ऑफ कितना बोल दिया है? मतलब 36,2019 by costing PL. Profit and loss account. Costing PL account कितना? Unabsorbed suspense में नहीं डाला है. कॉस्टिंग पीएल में ही चेंज किया है. अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड हाउ मच बेटा? दे हैव गिवन 3,200. तो बाकी कहां गया? मेरा इनकार्ड, मेरा रिपेयर, मेरा वेजेस कंट्रोल आ गया. तो बाकी कहां पर गया होगा? बाकी अब्सॉर्प्शन हुआ है. यस और नो? बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कहां पर अब्सॉर्ब होता है बेटा? प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब होता है वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट अब्सॉर्ब बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर बोलो कितना? हाउ मच टोटल बोलो? 119,100. 1 lakh. अंडर अब्सॉर्प्शन कितना बोल दिया है? तो अब्सॉर्ब कितना? 115,900. ओके तो WIP में 115,900 लिखो. 115,900 to production overhead control account. Done. Bye. मेरा अब तो वर्क इन प्रोग्रेस में और कोई नहीं आएगा डेबिट में. अब क्या है? मुझे वर्क इन प्रोग्रेस का सेमी फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस एंड कितना गुड्स कंप्लीट हुआ है निकालना पड़ेगा. कितना गुड्स कंप्लीट हुआ है नहीं बोला है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है. सर क्लोजिंग बैलेंस कहां बोला है? देखो WIP इंक्रीज्ड. WIP स्टॉक मतलब फिनिश गुड स्टॉक इंक्रीज बाय 7,500. मतलब ओपनिंग जो है क्लोजिंग 7,500 ज्यादा होगा. By balance CF कितना बैलेंस बेटा? मेरा ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स था 1,04,595 प्लस बोल दिया है 7,500 इंक्रीज करेगा.
104,595 plus 7,500. 112,000. 095. Yes or no? 112,095 by कहां पर जाएगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. गुड्स कंप्लीटेड. होल्ड. Sorry. Finished goods control account, goods completed. Goods completed. मतलब complete हो गया है. Balancing figure. Total कितना production workshop में खर्चा हुआ है बोल दिया है. Semi finished goods बोल दिया है. तो difference obviously आपका क्या होगा? कितना गुड्स कंप्लीट हुआ है? 104,595 प्लस 40,000 प्लस 54,500 प्लस 15,900. हाउ मच? 314,995 minus 102,095 202,900. Yes or no? Agree? So working for finished goods में आ जाएगा. अच्छा मेरा तो stored ledger का balance मैं कर सकता हूँ. Yes, stored ledger को close कर दो. By balance. बोलो बैलेंस कितना? आपका ओपनिंग स्टोर का बैलेंस था 53,375 प्लस 26,700 80,075 माइनस डायरेक्ट मटेरियल इश्यू हुआ था 40 इन रिपेयर के लिए 900. डिफरेंस जो आएगा दैट इज 39,175. दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस. 39,175 मेरा क्लोजिंग बैलेंस. नाउ फिनिश गुड्स टू वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. जो फिनिश गुड्स से बाहर आया था ना कंप्लीटेड गुड्स, वो तो फिनिश गुड्स में जाएगा. 2,02,900. तो 2,02,900 by 36,2019. अच्छा by देखो अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तभी आप कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे. अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है तो वाई विल ओपन द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट? जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है. देन फिनिश गुड्स से डायरेक्टली गुड्स ट्रांसफर कर दीजिए कहां पर? कॉस्टिंग पीएल में. तो मुझे मेरा लिए एक कॉस्ट ऑफ सेल जरूरी नहीं है. चलो बाय कॉस्टिंग पीएल डायरेक्टली वहां से चार्ज कर देते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नॉर्मली फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सेल में सेलिंग ओवरहेड ऐड होगा, वहां से कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग पीएल में जाएगा. लेकिन यहां पर तो कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है तो मैं डायरेक्टली कहां पर चार्ज कर सकता हूं?
कॉस्टिंग पीएल। सर मैं अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करता हूं वहां से लेके कॉस्टिंग पीएल में जाता हूं, नो प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बोलो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो क्वेश्चन में दे दिया है कहां पर, सेल्स बोल दिया है, सेल्स बोल दिया है 256,000 जो कि बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो 256,000 इंटू 25 by 125, वाई सर कॉस्ट के ऊपर 25 बोला है तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट के ऊपर 25 बोला है तो सेलिंग प्राइस हो जाता है 125, 100 कॉस्ट 125 सेलिंग प्राइस, तो 25 by 125 क्या होगा 256,000, हाँ नॉट 25 by 125, 100 by 125, तो 256,000 इंटू 100 by 125 204,800 डन। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का टोटल कितना होगा? अच्छा मैंने एक फिगर का जगह गलती से उल्टा जगह में लिख दिया है, 2WIPC अकाउंट 202,900 गलती से यहां पर लिख दिया। तो मेरा बैलेंस कितना होगा, बाई बैलेंस मतलब फिनिश गुड्स का बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना बेटा? ₹202,900 + ₹30,000 = ₹33,680 ₹28,880 Okay, that is the closing stock of finished goods. तो ये अकाउंट भी क्लोज, वेजेस को भी क्लोज कर देते हैं 77,500 प्रोडक्शन ओवरहेड भी क्लोज हो चुका है, कॉस्टिंग पीएल टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है इसलिए मैंने फिनिश गुड्स से डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग पीएल में डाल दिया है, नहीं तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से ही करता। कितना 204,800 टू प्रोडक्शन टू फिनिश गुड्स कंट्रोल टू प्रोडक्शन टू अंडर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड ओवरहेड कंट्रोल
3200 buy sells $2,56,000 2,56,000 टू अच्छा बाई सेल्स ना लिख के हम लोग लिखेंगे बाई सीएलसी सेल्स तो सीएलसी में भी लिखना पड़ेगा टू कॉस्टिंग पीएल पीएल अकाउंट सेल्स 2,56,000 डन प्रॉफिट टू सीएलसी नॉर्मली कैपिटल में जाता है लेकिन यहां पर कंट्रोल अकाउंट में ही जाएगा दैट इज सीएलसी अकाउंट कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट How much? 48,000 Sorry? 48,000 sir. 48,000 Chalo. PLC mein aa jao. 48,000 बंद रखिए काजल शो आप अपना माइक बंद कर लीजिए बाय कॉस्टिंग पीएल कॉस्टिंग पीएल 48 टू बैलेंस सीएफ $188,750 + $26,700 + $77,500 + $95,200 +48,000 -$2,56,000 $1,80,150 नौ मिनट किया ठीक और नहीं मैं काम कर सकता हूं आप लोगों के लिए ट्रायल बैलेंस दिखा सकता हूं ट्रायल बैलेंस डेबिट डेबिट क्रेडिट स्टोर्स लेजर बैलेंस कितना स्टोर लेजर का बैलेंस 39,175 और डेबिट में है और 39,175
39 175 school ledger control account, work in progress control account, WIPC account. कितना work in progress control 1,12,095. Finished goods control. कितना $28,880 by cost ledger control account. करके देखिएगा फिगर आएगा आपका 1,80,150. देखो तो 1,80,150 ट्रायल बैलेंस टैली किया. और मेरा एक सवाल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों का? नो सर. मेरा एक सवाल है, ये पूरा जो अकाउंट किया है कहां पर, ये जो सोल्यूशन आप लोगों ने किया है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो लेजर में ही होता है, कहां कौन सा लेजर? इन द कॉस्ट लेजर. ओके, ट्रायल बैलेंस करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर दिया. डन. मैं एक होमवर्क देने वाला हूं, वो होमवर्क मैं थोड़ा थोड़ा जगह डिस्कस कर दूंगा. कल वो क्लास में और करके आप लोग लाइएगा. मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये स्टोर रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन. देखिए ओपनिंग बैलेंस कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, परचेस बोलना नहीं पड़ेगा, ट्रांसफर फ्रॉम WIP. इसका मतलब क्या होता है बोलते? ट्रांसफर फ्रॉम WIP इसका मतलब रिटर्न आया है वर्कशॉप से. तो आप लोग जर्नल जानते हैं कैसे होता है, वर्कशॉप का बैलेंस घट जाएगा और स्टोर का बैलेंस बढ़ जाएगा. इश्यू टू वर्कशॉप बोल दिया है, इश्यू फॉर रिपेयर कुछ देर पहले ही आप लोगों ने किया है. डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक, मतलब जो स्टॉक में कुछ माल नहीं मिल रहा है तो उसको नॉर्मल भी पकड़ सकते हो, एबनॉर्मल. एबनॉर्मल पकड़ो तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करो, नॉर्मल पकड़ोगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करेंगे. हम लोग डेफिशिएंसी नाम है इसलिए इसको कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे एबनॉर्मल मान के. वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है. डायरेक्ट वेजेस का अकाउंट खोलना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट वेजेस कितना अप्लाइड बोल दिया है. ओवरहेड चार्ज बोल दिया है कितना चार्ज है, ओवरहेड का इनकर्ड भी बोल दिया है, तो अंडर अब्सॉर्प्शन ओवर अब्सॉर्प्शन भी आ जाएगा. फिनिश्ड प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं बोला है. एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस. मतलब इस प्रॉब्लम में फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का ओपन भी नहीं करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज ओपनिंग फिनिश गुड्स का ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है. फिनिश गुड्स में नो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है. और ओवर एंड अबाउट यहां पर बोल दिया है
जो गुड्स कंप्लीट हुआ है वो डायरेक्टली वर्कशॉप से वेयरहाउस में नहीं जाएगा। वर्कशॉप से अगर वेयरहाउस में नहीं जाता है तो कहां जाएगा? डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा, मतलब डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाएगा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहां पर तो कॉस्टिंग पीएल हो ही जाएगा, तो ड्रॉ क्या करने के लिए बोला है, देखो स्टोर लेजर, वर्किंग प्रोग्रेस, ओवरहेड, कॉस्टिंग पीएल और कुछ नहीं। मैं एक अकाउंट कर देता हूं, दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल, बोलो टू बैलेंस, डेट नहीं है, बच गया, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच? 9000। टू सीएलसी, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल परचेज, कितना? सीएलसी का अकाउंट ओपन कर, ओपन करना पड़ेगा? नो, नहीं बोला है। 48,000 वर्किंग प्रोग्रेस से माल रिटर्न आया है टू डब्ल्यू आई पी सी अकाउंट, 24,000 माल इशू भी किया है, कितना? 48,000 बाय इशू, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, दैट इज इशू। ये क्या था? रिटर्न। हाउ मच इशू? सर इशू ऑफ मटेरियल 48,000। इशू फॉर रिपेयर, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फॉर रिपेयर, कितना? 6,000 एफिशिएंसी 1800 बाई कॉस्टिंग पीएल, पीएल अकाउंट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन स्टॉक ट्रीटेड एज अबनॉर्मल, ट्रीटेड एज अब नॉर्मल। और कुछ है? नो, बाय बैलेंस। बोलो कितना बैलेंस? 25,200 सॉरी बेटा, 25,200 टोटल बोल तो, कतो? 81,000 ओके। मैं और एक भी कर देता हूं, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड 2, इनकार्ड बोल दिया है 75,000 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म यूज करने से पहले एक चीज बताना भूल गया, सब अकाउंट के पहले ब्रैकेट में जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो लिख दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर पूछ सकता है, मैं तो डब्ल्यू आई पी सी का मतलब नहीं जानता हूं। तो आप लोगों के लिए रिस्क हो जाएगा। टू प्रोडक्शन ओवरहेड में, दैट इज डब्ल्यू आई पी स्टोर लेजर कंट्रोल एस एल सी अकाउंट, कितना? How much? 6,000 by WIPC account
दैट इज एब्सॉर्ब्ड, कितना एब्सॉर्ब बोल दिया है देखो, विद प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज मतलब एब्सॉर्ब 72,000। बाकी आपका क्या होगा स्ट्रेट वे में अंडर एब्जॉर्प्शन बाय कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल हाउ मच 9,000 अंडर एब्जॉर्प्शन और एक अकाउंट में खोल सकता हूं दैट इज वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, वर्किंग प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस देखो 18,000 टू बोलो एसएलसी अकाउंट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना मटेरियल दिया है 48,000 डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड बोल दिया है टू वेजेस कंट्रोल कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल कितना वेजेस कंट्रोल 18,000 अप्लाइड 18,000 75,000 that is production overhead to production overhead control account by SLC account return to stores कितना रिटर्न टू स्टोर देखो 24,000 रिटर्न कर दिया है डायरेक्टली बाय कॉस्टिंग पीएल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हो गए That is cost of goods produced and sold because only directly bol diya hai produced and sold balancing figure upar mein likh deta hu balancing figure by balance semi finished units goods ka balance kitna hai closing chalo dekhte hain closing balance bol diya hai opening 18 closing 12 to bolo kitna aayega beta total bolo jaldi सर टोटल 1,59,000 माइनस करने के बाद 1,23,000 आराम से आप लोगों का क्या हो जाएगा आराम से आपका कॉस्टिंग पीएल हो जाएगा आराम से कॉस्टिंग पीएल कॉस्टिंग पीएल में सीएलसी अमाउंट नहीं बोला है लेकिन मेरा बोल दिया है जो कॉस्ट है 1,23,000 इंटू 110% देखो बोल दिया है एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड एट 10% ऑन कॉस्ट फ्रॉम वर्किंग प्रोग्रेस तो 1,23,000 के ऊपर 110% 1,23,000 ये फिनिश गुड्स कंट्रोल से नहीं आएगा वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल से आएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल
production overhead under absorbed how much? 9000. Stored ledger control. To stores ledger control. SLC. SLC में क्या? That is deficiency. Deficiency in stock. कितना deficiency in stock? 6000 ना 1800 costing. अच्छा ये फिगर कितना आया है? 1,23,000. बोलो हो गया वो 1,35,300. तो बोलो कितना आएगा? 1,35,300. तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 123 - 9000 - 1800 - 1500. सेम तरीके का प्रॉब्लम मैंने और एक दिया है आप लोगों को, घर में आप लोग करिएगा. सेम चीज, एकदम सेम फिगर, अलग परसेंटेज, अलग, एकदम सेम टू सेम. ये प्लीज आप लोग घर में होमवर्क में करिएगा. चलिए जिसके लिए आते हैं हम लोग वो काटते हैं.